दोस्तों, जब हम बाजार से स्टील, कांच या प्लास्टिक के बर्तन खरीदते हैं तो उन पर स्टिकर्स लगे होते हैं। प्लास्टिक या कांच के कंटेनर पर भी स्टिकर्स लगे होते हैं। ये स्टिकर्स बहुत ही जिद्दी होते हैं और आसानी से नहीं निकलते। बर्तनों और कंटेनरों पर लगे आधे अधूरे स्टिकर्स बहुत ही खराब दिखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जिद्दी स्टिकर्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। स्टिकर्स निकलने के बाद चाहे बर्तन हो या कंटेनर, अच्छे दिखते हैं। ट्रांसपेरेंट कंटेनर के स्टिकर्स निकलने के बाद तो अंदर का सामान भी अच्छे से दिखता है। सामान के खाली कंटेनरों का रियूज करके पैसों की बचत होती है, क्योंकि इससे हमें महंगे महंगे डब्बे नहीं खरीदने पड़ते और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचता। आज के वीडियो में मैं आपको स्टील, प्लास्टिक और कांच सभी के स्टिकर्स हटाने का बहुत ही सरल उपाय बताऊंगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट, तो आइए शुरू करते हैं। स्टिकर्स हटाने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल लीजिए। उंगली पर कुकिंग ऑयल लगाकर स्टिकर्स पर लगाइए। फिर ये स्टिकर्स चाहे स्टील, प्लास्टिक या कांच किसी भी बर्तन पर हो, 10-15 मिनट तक तेल लगे स्टिकर्स को ऐसे ही रहने दीजिए। 10-15 मिनट बाद कोई भी एक बर्तन जिसका आपको स्टिकर हटाना है वो लीजिए। हम पहले स्टील का ग्लास लेते हैं। स्टिकर के कोने से उंगली के नाखून से स्टिकर को थोड़ा सा उठाते हुए खींच लीजिए। उंगली से स्टिकर को जितना खुरच सकते हैं उतना खुरच लीजिए। इसी तरह कांच के ग्लास का और प्लास्टिक कंटेनर का स्टिकर्स भी उंगली से खींचकर निकाल लीजिए। अब स्कॉच ब्राइट स्क्रबर पानी से गीला करके उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए। बेकिंग सोडे की सहायता से स्टिकर्स का जो ग्लू है वो थोड़ा सा स्क्रब करने से ही आसानी से निकल जाएगा। फिर वो ग्लू चाहे स्टील, प्लास्टिक या कांच किसी भी चीज पर का हो। तीनों पर का ग्लू निकलने के बाद जो भी डिश वॉश लिक्विड या डिटर्जेंट आप यूज करते हैं उससे कंटेनर को घसकर साफ पानी से धो लीजिए। फिर सूती कपड़े से बर्तन या कंटेनर को पोंछ लीजिए। आप देखेंगे कि तीनों चीजों के स्टिकर इतनी अच्छे से निकले हैं कि इन तीनों चीजों पर स्टिकर कहाँ लगे थे यह पहचानना भी मुश्किल है। इसी तरह आप अन्य चीजों जैसे कि ट्रे आदि पर लगे स्टिकर्स भी हटा सकते हैं। स्टिकर्स पर पहले कुकिंग ऑयल लगा दीजिए, फिर बेकिंग सोडे से स्क्रब करके साफ पानी से धो लीजिए। है ना स्टिकर्स निकालने की स्मार्ट टिप। दोस्तों, स्टिकर निकालने का ये तरीका आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।